नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आज के इस व्यस्त जीवन में, व्यस्त जीवन शैली में, भागते दौड़ते जीवन में योग हमें स्वस्थ रहने के लिए अनिवार्य है। अनिद्रा की स्थिति, जिसको हम इंसोमनिया भी कह देते हैं, वो आज के समय में एक आम समस्या हो गया है, या तो बहुत सीवियर या फिर बिल्कुल बिगनिंग। लेकिन अनिद्रा से काफ़ी लोग आज के समय में जूझ रहे हैं। अनिद्रा की स्थिति में कैसे आप चैन की नींद पा सकते हैं, ये आपको मैं आज बता रही हूँ। योग की ऐसी कुछ आसान सी क्रियाएं जो आपको गहरी नींद प्रदान करेंगी। इसमें दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, अपने एक स्लीपिंग पैटर्न बनाइए, अपना एक समय निर्धारित कीजिए कि मुझे इस समय पर सोना ही सोना है, 10 बजे, 9 बजे या 11 बजे, और बहुत देर तक न जागें तो बेहतर है। जो समय आप सोने का निर्धारित करें, उसके आधा घंटा पहले स्क्रीन लेस हो जाइए। यानी कि अगर आपने 10 बजे का समय सोने का निर्धारित किया है, तो 9:30 बजे के बाद ना तो आप फ़ोन यूज़ करेंगे, ना आप टीवी देखेंगे, किसी तरह की कोई स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। आधा घंटा पहले किसी से कोई बहस नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई भी ऑफिस का काम याद नहीं करना है। आधे घंटे पहले, बल्कि एक घंटा पहले तक कैफ़ीन को अवॉइड करें, कॉफ़ी चाय इनसे दूर रहें। जब आप सोने वाले हैं, तब जो दो क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं, दिस शुड बी द लास्ट इम्प्रेशन ऑन योर ब्रेन। यानी इसके बाद आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप कोई भी विचार मन में नहीं आने देंगे। इसके बाद तुरंत आपको सो जाना है, तो अपने बिस्तर के साथ में ही आप मैट बिछा लीजिए, और आप पहले करेंगे 13 बार ओम का उच्चारण। 13 बार, 13 times आपको ओम का उच्चारण करना है। यानी पूरा गहरा सांस लेना, आपके मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को आप अनुभव करेंगे। 13 times ऐसा करें, और उसके बाद लेट करके करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। यूं तो प्राणायाम का अभ्यास बैठ करके ही करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे इंसोमनिया की प्रॉब्लम में आप अपने बिस्तर पर लेट जाएंगे ओम का उच्चारण करने के बाद। इस प्रकार से कमर के बल लेट जाना, और पहली उंगली से अपने कानों को बंद कर लेना, गहरा सांस लेना नाक से, और नाक से ही सांस छोड़ना। लेकिन सांस छोड़ते वक्त भ्रमर गुंजन करना, यानी भंवरे जैसी आवाज क्रिएट करना। ऐसा आप 10 बार तक करें, और फिर अपने हाथों को वापस ले आएं, और यही से लेटे लेटे आप सो जाएंगे। यानी इसके बाद आपको उठना नहीं है। ये ध्यान रखें कि हो सकता है ऐसा करने के बाद भी आपको नींद ना आए, तो फिर मानसिक रूप से जाप करते रहें। जाप योग का एक अभिन्न अंग है, जिसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारे बॉडी और माइंड पर होते हैं। नियमित रूप से इन क्रियाओं का अभ्यास करें, आप देखेंगे कि आपकी अनिद्रा की समस्या दूर होने लगेगी। योग का नियमित अभ्यास करें, योगी बने, उपयोगी बने।